नमस्कार मित्रों, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। चलिएगा तो आज के इस वीडियो में जो है सहायक ग्रेड 3 और जो है स्टेनोग्राफर के लिए आपकी परीक्षा हो गई है, उसका जो है कट ऑफ आना बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है। तो आप 10-15 दिन का या 1 मंथ का जो है अभी वेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी जारी रख सकते हैं। अब आपको तैयारी कैसे करनी है तो आप नोटिफिकेशन में लिखे गए जो क्राइटेरिया है, जो नियम्स और रूल्स और रेगुलेशंस है, उसके अनुसार ही अपनी तैयारी करें और अपनी तैयारी करते रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैकेंसियाँ की कुछ डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर जो है कितनी गई है, 3 गुना लोगों को सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ तो आपको पहले से ही पता होगी। चलिएगा तो अब जो है अब नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो एबिलिटी ली गई थी वो आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो सकते हैं। उसी के बाद में जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो चलिएगा हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। आयु की गणना है, आयु की गणना तो आपने फॉर्म भरा है तो आपकी आयु तो अच्छी ही होगी। यह फीस का स्ट्रक्चर था, फीस तो आपने दे करके अपनी स्टेज पार कर लिए हैं। उसके बाद में एडमिट कार्ड भी आपका आ चुका है और एग्जाम भी हो चुका है। अब भर्ती की योजना है कि प्रारंभिक परीक्षा आपकी ऑनलाइन होनी थी जो कि हो चुकी है। अब इसका कट ऑफ या रिजल्ट जारी किया जाएगा, 3 गुना लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा और जो है 3 गुना लोगों में से कुछ ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जिन लोगों के सेम मार्क्स होते हैं तो वो सेम मार्क्स वालों को जो है कहीं ना कहीं जितने भी लोगों का सेम मार्क्स रहता है तो सभी को ले लिया जाता है। इस तरह से 50 या 100 लोगों की भर्तियां जो है ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं ज़्यादा लोग। उसी के साथ में मुख्य परीक्षा होनी है, प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की थी वो हो चुकी है। इसका जल्द ही आपका जो है कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, जब तक आपको वेट कर लेना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। अब प्रवेश पत्र की बात करें तो प्रवेश पत्र आपका हो गया है और साथ ही साथ परीक्षा केंद्र भी आपका ये हो गया सब, और जो एग्जाम्स में आना था वो आकर पूछ लिया गया है। साथ ही साथ 2 घंटा का यह था मॉक टेस्ट की बात की गई थी, आवश्यक सूचना दी गई है। उसी के साथ में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बताया गया है कि आप 7 दिन तक जो है इसमें अपने उत्तरों के लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, वो भी बाय पोस्ट। उसके बाद में कोई आपकी आपत्ति नहीं सुना जाएगा। यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो जो है आपका आंसर की है तो उसमें नई आंसर की जो है जारी की जाएगी फिर से, और यदि नहीं पाई जाती है तो फिर जो है आपकी वही आंसर की फाइनल आंसर की मानी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं न्यूनतम 45% परीक्षा और सामान्य वाले को जो है, और साथ ही साथ में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति और जाति वाले को 40% अंक तो अनिवार्य ही है, इससे कम आपकी कट ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब मुख्य परीक्षा की बात करते हैं जो ही मेन है आपकी। यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन लेना है प्रारंभिक परीक्षा में, इसके अंक आपके कहीं भी काउंट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा के जो आपके अंक रहेंगे उसके अनुसार आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, एक बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है कुछ बताया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर 2 कलर फोटो आवेदन फॉर्म भरते समय जो आप लगा रहे हैं वही कलर फोटो आपके पास रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यदि आप भेज रहे हैं तो स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको भेजना होगा, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। अब मुख्य परीक्षा से संबंधित यहाँ पे बात आती है तो 100 अंकों की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी बताया जा रहा है। अब मुख्य परीक्षा के केंद्र आपको बताया जा रहा है कि जिला न्यायालय के माध्यम से निर्धारित किए जाएंगे, एक या अधिक पालियों में भी आयोजित किए जा सकेंगे। और उसी के साथ में जो है आप देख सकते हैं जो ए नंबर ए ग्रुप की जो वैकेंसी है, ए ग्रुप वाली वैकेंसी में आपको देखने को मिल जाएगा, 100 अंक मार्क्स का आपका होगा, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें 400 वर्ड से डिक्टेशन होगा ना, और जो कि 5 मिनट का होना है, और 30 मिनट का आपका जो है टाइपिंग होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब बी ग्रुप वाली जो सहायक ग्रेड 3 की है, इसी की सबसे ज़्यादा पोस्ट आई थी, सबसे ज़्यादा लोगों ने इसी को भरा है और इसी की तैयारी में आपको लग जाना है। तो यहाँ पर टोटल जो है आपको 30 प्लस 70 100 मार्क्स मिलेंगे, 10 10 मिनट का दोनों के लिए, आपको 20 मिनट का टोटल टाइम दिया जाएगा। हिंदी टाइपिंग आपकी होगी जिसमें आपको 35 की स्पीड में बिना कोई जो है गलती किए जो है 350 शब्द दिए जाएंगे टाइप करना होगा। और डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग 400 वर्ड की होगी जिसमें 40 की स्पीड आपकी आनी चाहिए, 10 मिनट का होगा। और इसी तरह से सी ग्रुप में आप देख सकते हैं 400 डिक्टेशन होगा और जो है बाकी टाइपिंग होगी इसमें 30 मिनट, ठीक है। इसके बाद में जो है आपको गलतियां क्या नहीं करना है, बात करते हैं सबसे पहले शीघ्र लेखक ग्रेड 2 और शीघ्र लेखक ग्रेड 3 और शीघ्र लेखक ग्रेड 3
जो है कोर्ट मैनेजर स्टाफ की। तो 5 मिनट में आपको 400 शब्द हिंदी डिक्टेशन करना है और 30 मिनट जो है आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करना है अनुलेखन को। उसी के साथ में मूल डिक्टेशन के दौरान जो है आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो संपूर्ण अंक काटे जाएंगे यदि आपने जो है बुक में डिक्टेशन लॉन्ग हैंड में लिखे होने पर। तो लॉन्ग हैंड में आपको लिखना नहीं है, कुछ सावधानियां आपको रखना है और जो है इसको पढ़ लेना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। सहायक ग्रेड 3 की बात करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इसी के जो है पद आए हुए हैं और सबसे ज्यादा इसी को लोगों ने भरा है। तो इसमें 10 मिनट का आपका 350 शब्दों का हिंदी टाइपिंग जो है मेटा टाइप करना होगा देख करके कंप्यूटर में, साथ ही साथ में जो है 400 वर्ड जो है डायरेक्ट डिक्टेशन आपको करना होगा सुन करके कंप्यूटर में सीधे टाइप करना होगा। और इंग्लिश नोइंग वाले में आपको जो है 5 मिनट में 400 वर्ड जो है डिक्टेशन और 30 मिनट जो है आपको टाइपिंग। उसके बाद में जो है इसमें क्या गलतियां, आपको मूल्यांकन कैसे होगा, किस प्रकार से नंबर मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। जो शीघ्र लेखक ग्रेड 3, 2 और 3 वाले हैं तो इनके लिए करना क्या होगा, और इंग्लिश नोइंग वाले हैं तो इसमें बताया गया है कि यदि आप जो है कोई भी त्रुटि करते हैं, प्रत्येक त्रुटि के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है 1/2, यानी कि 0.50 आपके अंक काटे जाएंगे। इसमें गलत शब्द हो सकता है यदि आप गलत शब्द लिखते हैं, ठीक है, और बर्तनी संबंधित हो सकता है यदि आप बर्तनी गलत करते हैं, आ की मात्रा की नहीं लगाते हैं या छोटी की जगह बड़ी की लगा देते हैं इस तरह से, और या स्पेलिंग त्रुटि, या आप स्पेलिंग में त्रुटि करते हैं, कोई स्पेलिंग गलत लगा देते हैं या बर्तनी गलत कर देते हैं, तो या कोई शब्द आपका छूट जाता है, तो इन सभी को जो है प्रत्येक त्रुटि में माना गया। गलत शब्द आप यदि लिखते हैं या बर्तनी गलत करते हैं या स्पेलिंग त्रुटि करते हैं या शब्द में छूट जाते हैं आपके, तो इस सभी में जो है आपके 0.50 जो है अंक काटे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा साथ ही साथ अभ्यर्थी इस तथ्य का जो है विशेष ध्यान दें कि किसी भी प्रकार से आपको 120 से ज्यादा त्रुटियां नहीं करनी है। 120 से ज्यादा यदि आपकी त्रुटियां पाई जाती हैं, यदि आप गलत शब्द करते हैं, बर्तन ही गलत करते हैं, स्पेलिंग त्रुटि करते हैं या शब्द छोड़ देते हैं, तो प्रत्येक को एक त्रुटि माना जाएगा जो भी इनमें से करते हो आप एक, और आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। और यदि आप 120 से अधिक कर लेते हो, मतलब 60 शब्द गलत लिख देते हो या स्पेलिंग गलत हो जाती है, वर्तनी या कुछ भी त्रुटि आपकी हो जाती है, तो जो है आपको यहाँ पे 0 अंक दे दिए जाएंगे, क्योंकि 60 नंबर बहुत होते हैं। साथ ही साथ में सहायक ग्रेड 3 की बात करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं और इसी की तैयारी में आपको लगना है। जो भी लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें आपको मूल्यांकन कैसे करेंगे। मूल्यांकन करते समय जो प्रत्येक त्रुटि है, त्रुटि पर आपका 1/2 यानी कि 0.50 ठीक उसी प्रकार से अंक काटा जाएगा, है ना, ठीक है, ये तो आपका काटा जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक त्रुटि को कैसे काउंट किया जाएगा, गलत शब्द आपका काउंट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा गलत शब्द आपका काउंट किया जाएगा, यदि आप जो है आपको वहां पर लिखना है यथासंभव, तो आपने और कुछ वहां पे लिख दिया, परीक्षा लिख दिया या कुछ और लिख दिया, तो ये गलत शब्द होता है। तो ये गलत शब्द आप यदि इस तरह से कुछ लिख देते हो तो आपका आधा नंबर चला जाएगा। बर्तनी त्रुटि, तो आप समझती होंगे कि बर्तनी में किसी प्रकार की आप त्रुटि करते हो, ठीक है, तो आपका आधा नंबर चला जाएगा, या कोई शब्द आपका छूटता है तो आपका आधा नंबर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर गलत शब्द की बात की गई, बर्तनी त्रुटि की बात की गई, मतलब कि शब्दों में ही आप जो है मात्रा गलत लगा देते हो, और जो है शब्द छूट की बात की गई, मतलब कोई शब्द आप छूट देते हो, छोड़ देते हो, तो प्रत्येक के लिए आधा अंक आपका काटा जाएगा। साथ ही साथ में विराम चिन्हों की त्रुटि भी यहाँ पे बताई गई है, यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण विराम होता है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूर्ण विराम आप बराबर जो है वाक्य के अंत में लगाते जाइएगा, और जो है बीच बीच में आपको जो है अल्प विराम लगाने की आवश्यकता होती है तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अल्प विराम बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, नहीं तो आपका थोड़ा सा अल्प विराम या पूर्ण विराम लगाने के चक्कर में आधा अंक पूरा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इसे आपको लगाना और लगाना ही होगा। साथ ही साथ में इसमें कुछ अन्य प्रकार के जो है चिन्ह भी आपको एक दो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो 2 ही चिन्ह आपको मिलेंगे, तो आपको जो है चिन्हों की प्रैक्टिस कर लेना है। इन त्रुटि में आपका आधा अंक काटा जाएगा, और इससे तत्व को विशेष ध्यान आपको रखना होगा और हिंदी टाइपिंग का करना होगा। और बताया गया है 36 यानी कि 36 जो, और डायरेक्ट डिक्टेशन की उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन की समय
अभ्यर्थियों की 84 से अधिक त्रुटियां पाई जाती है तो उनको 0 अंक दिए जाएंगे। आपको 0 अंक मिल जाएंगे यदि 84 से अधिक त्रुटियां पाई गई। यदि आप 84 तक करते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 84 से अधिक करते हैं त्रुटियां तो आपको 0 अंक दे दिया जाएगा और आप कोई काम के नहीं रहेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और 84 यदि त्रुटि आप करते हैं तो 84 त्रुटियां का सीधे सीधे जो है आधा आप मान लीजिए, 84 का जो है आधा आप मान लीजिए कहीं ना कहीं 42, 42 त्रुटियां जो जो आप करते हो तो 42 अंक आपके, वो 84 त्रुटि करते हो तो 42 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो फिर भी आपका 70 रहता है, तो 70 में से 42 यदि आपका माइनस होगा तो कहीं ना कहीं लगभग 30-35 तो आप 30-38 तो आपका बच जाएगा। तो कहें आपका 38 बच जाएगा, तो 38 मार्क्स भी आपके बहुत होते हैं इसमें। और जो है 30 मार्क्स की बात करें हम, वो वाला होता है जो आपको डायरेक्ट करना होता है। 30 में से आप यदि 25 भी ला लेते हैं तो 25 + 38 आपके जो है कहीं ना कहीं कितने मार्क्स हो जाते हैं, टोटल 5, 8, 13 का 3 और जो है इधर जो है 63, तो 63 तक आपके पहुंच सकते हैं इस तरह भी। तो लेकिन आपको 84 गलती नहीं करना है, कोशिश करना है कि 20-30 ही आपकी जो है त्रुटियां हो, गलती हो, ताकि आपके जो है कम से कम मार्क्स काटे जाएं और स्पीड भी आपकी कम होगी तो आपके जो है देख सकते हैं कि उस तरफ से भी आपके अंक अलग से काटे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो टाइपिंग है, टाइपिंग का जिस तरह से कंपटीशन है और जिस तरह से लोगों की टाइपिंग 40+ और 50+ आती है, तो वो लोग जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 76 और 75, 75 के ऊपर ही जो है यहाँ पे स्कोर करेंगे और 75 के ऊपर ही जो है कहीं ना कहीं आपकी जनरल वालों की जो है कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और जो है ओबीसी में भी 70 के ऊपर जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखकर कीजिए, लेकिन ये आपका आपको नहीं मानना है, बल्कि कोशिश तो ये करना है कि 80+ ही जो है आपके यहाँ पे जो है आउट ऑफ 100 में से आने चाहिए, ताकि जो है आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गलती किस प्रकार की नहीं करना है। सहायक ग्रेड 3 में मुख्य परीक्षा में आपको 10-10 मिनट का 2 होगा, एक डिक्टेशन और एक डायरेक्ट टाइपिंग। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो आधे नंबर आपके काट लिए जाएंगे। अब बात करते हैं स्पेस की। तो स्पेस काउंटिंग से संबंधित और स्पेस से संबंधित यहाँ पर क्या है आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अभ्यर्थी को इस बार इसका ध्यान रखना है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज तो हम भूल ही गए हैं, यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 से रिलेटेड जो दिया गया था, यहाँ पे लिखा गया है कि 120 इसमें त्रुटियां और इसमें जो है 36 देखने को मिलेगी और 84, मतलब कि आपको जो है एक तो ध्यान देना है कि जो हिंदी टाइपिंग आप करोगे उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय किसी भी अभ्यर्थी की 36 एवं डायरेक्ट डिक्टेशन में 84। तो जो आपका डायरेक्ट डिक्टेशन होगा, जो बोल करके आपको 40 की स्पीड में लिखना है जो सुन करके, तो उसमें आपको 84 त्रुटियां नहीं करनी है, 84 से ज्यादा नहीं करनी है। और साथ ही साथ में जो आपका टाइपिंग होगा डायरेक्ट, उसमें आपको 36 से ज्यादा त्रुटियां नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा 36 से ज्यादा त्रुटियां आपको नहीं करनी है। मैक्सिमम यदि आप 36 करते हैं, 35 करते हैं, कोई बात नहीं, 36 से ज्यादा आपकी नहीं जानी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में लिखा गया है कि 50% से अंक आपको प्राप्त नहीं करना है। 50% से तो आपको ज्यादा ही करना है, क्योंकि कट ऑफ तो 50 से ज्यादा ही जानी है। और यदि 50-51 भी यदि आपकी जाती है तो आपका यदि 50 से कम रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब मुख्य परीक्षा का परिणाम की बात करें तो यहाँ पर परिणाम संबंधित जानकारी भी दी गई है, जिसे आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रतीक्षा सूची भी यहाँ पे जारी की जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। उपाधि स्थापना आपकी कर दी जाएगी, उसके बाद में जो है सूचना के अधिकार के तहत आप जानकारी और जो है अन्य शुद्धि पत्र वगैरह और जो है सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि आपका भी कोई काम का नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा होगा, इसे भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं मचाना है, नहीं तो आपकी परीक्षा अभ्यर्थिता को निरस्त भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको टोटल समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। चलिएगा मित्रों, तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए गुड बाय।